हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल ऑनलाइन अर्निंग में। दोस्तों, प्रभाकर सेन का जो क्वेश्चन है, हो सकता हो कि आप में से अक्सर लोगों का ये क्वेश्चन हो और आपके सामने भी आपकी टीम से ये क्वेश्चन आ रहा होगा। और आप लोगों के पास जब ये क्वेश्चन आता है तो आप लोग भी काफी कंफ्यूज हो जाते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग जो आज ही आईडी लगाते हैं या जिनकी आईडी काफी पहले की लगी हुई है, तो उनका क्या होता है कि जब वो आईडी अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करके लॉगिन करते हैं तो उनका ये लिख के आता है कि इनवैलिड मोबाइल नंबर और पासवर्ड, यानी कि उनका मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो है कि गलत है। तो उनको क्या करना होगा, उनको उनकी क्या प्रॉब्लम हो रही है? वो तो मोबाइल नंबर बिल्कुल सही फिल कर रहे हैं, वो पासवर्ड भी अपने हिसाब से बिल्कुल सही फिल कर रहे हैं, लेकिन उनकी आईडी में जब वो लॉगिन कर रहे हैं तो ऐसा क्यों लिख रहा है इनवैलिड यूजर आईडी पासवर्ड। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है कि बहुत सारे लोग रजिस्ट्रेशन जब करते हैं तो उस समय कुछ ऐसा लिख देते हैं अपने पासवर्ड में जो वो बाद में उनको थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, चाहे तो लिखने में ही कुछ मिस्टेक हो जाती है, कुछ कॉमा लग जाता है, कुछ या ऐसा अंक लिख देते हैं वो ध्यान नहीं देते हैं, वो लिखते हैं जानते हैं अपने समझ में लिखते कुछ और हैं पर वहाँ पे लिख कुछ और जाता है, तो उसकी वजह से उनका वो पासवर्ड मैच नहीं करता है। और जिन लोगों की आईडी पहले की लगी है, ये तो जो मैंने बताया, ये आज जो जिन लोगों ने आईडी लगाई उनका ये प्रॉब्लम होता है, और जिनकी आईडी पहले की लगी है वो अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, तो जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनका ये पासवर्ड है पर वो पासवर्ड बनाए कुछ और रहते हैं, तो उनका उस वजह से आईडी लॉगिन नहीं होती है। और तो उनको करना ये होगा, तो उनको फॉरगेट पासवर्ड करना होगा, और फॉरगेट पासवर्ड करने में भी बहुत सारे लोग गलती करते हैं। देखिए, फॉरगेट पासवर्ड तो सबसे अब और ही आसान कर दिया गया है। आप जिस एप्लीकेशन पे आप लॉगिन करते हैं वहां से भी आपका फॉरगेट पासवर्ड हो जाएगा, या rj24.com सर्च करके और वहां से भी लॉगिन में जाके वहां पे भी फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, वहां से भी वो फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। मैं आपको एप्लीकेशन से बता देता हूँ, एप्लीकेशन में जहाँ लॉगिन करते हैं, यूजर आईडी और पासवर्ड फिल करते हैं, उसके जस्ट नीचे ही आप देखेंगे फॉरगेट पासवर्ड लिखा होगा। उस फॉरगेट पासवर्ड पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको पूछेगा सबसे ऊपर मोबाइल नंबर, उसके नीचे पूछेगा ईमेल आईडी, उसके नीचे लिखा होगा प्रोसीड। तो आपको क्या करना है, सिर्फ मोबाइल नंबर फिल करना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, आपको ईमेल आईडी फिल नहीं करना है। अगर आपको मोबाइल नंबर क्लियर नहीं है तो आप ईमेल आईडी फिल करिए, मोबाइल नंबर मत फिल करिएगा, प्रोसीड पे क्लिक करिएगा, मतलब मेल आईडी या मोबाइल नंबर दोनों में से कोई एक फिल करना है। तो अब यहाँ पे भी बहुत सारे लोग तो कर जाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग की प्रॉब्लम ये आती है कि जब यहाँ पे वो फॉरगेट पासवर्ड करते हैं, प्रोसीड अपना मोबाइल नंबर फिल करके प्रोसीड करते हैं, तो उनका लिख के ये आता है कि उनकी आज की लिमिट खत्म हो चुकी है। और वो ऐसा इसलिए होता है कि जैसे ही वो एक बार अपना फॉरगेट पासवर्ड कर देते हैं और उसके बाद जब वो दोबारा करते हैं तो उनकी लिमिट वहां पे लिखता है खत्म हो चुकी है, लेकिन क्योंकि एक दिन में एक ही बार ही आप फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, लेकिन आपका एक बार फॉरगेट पासवर्ड करने पे ही आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज चला जाता है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे लोग चेक नहीं कर पाते, बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे ढूंढते हैं, बहुत सारे लोग अपने उसी मोबाइल में ढूंढने लगते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप फॉरगेट पासवर्ड कर दीजिए, एक बार ही क्लिक करिए, मोबाइल नंबर फिल करके प्रोसीड पे क्लिक करिए, आपका फॉरगेट पासवर्ड हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने उस मोबाइल में जाइए जिस मोबाइल में आपका वो नंबर लगा हुआ है, जो नंबर वहां पे आपने फिल किया है, उस मोबाइल को आप ओपन करिए, उसमें आपका जो मैसेज बॉक्स है जिसमें आपके नंबर पे मैसेज जो आते हैं, व्हाट्सएप नहीं, जो आपके नंबर पे मैसेज आते हैं, वो मैसेज अपना ओपन करिए, और मैसेज का जो फोल्डर है उसे आप ओपन करिए और उसमें जाके चेक करिए आपके नंबर पे मैसेज आया होगा,
और ये लोगों का मैसेज आ जाता है, एक ही बार में उनका मैसेज आ जाता है। और अगर उनका नहीं आता है, बाई चांस अगर नहीं भी आता है, तो वो मेल आईडी फिल करके फॉरगेट पासवर्ड कर लेंगे, फिर वहाँ मोबाइल नंबर नहीं फिल करेंगे, मेल आईडी पे उनका यूजर आईडी पासवर्ड आ जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर नहीं आता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा फिर आपको क्या करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा कि फॉरगेट पासवर्ड करने पे लिमिट खत्म हो गई ऐसा क्यों लिखता है, लॉगिन करने पे इनवैलिड यूजर आईडी मोबाइल नंबर ऐसा क्यों लिखता है। मुझे उम्मीद है कि आप में से ज्यादातर लोगों के क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। तो दोस्तों, आप REGU24 में वर्क करिए, पेमेंट प्रूफ लोगों के आ रहे हैं और ये कंपनी लगातार पेमेंट दे रही है, लोगों को टाइम टू टाइम पेमेंट दे रही है। तो आप इस कंपनी में पूरी तरीके से भरोसा करके आप इस कंपनी के साथ जा सकते हैं, इस कंपनी के साथ काम कर सकते हैं। और मैं भी इस कंपनी में वर्क कर रहा हूँ और यहाँ पे आपकी पेमेंट देने की जो डेट है 25 से 30 है, लेकिन अक्सर आपको 23 से 24 तारीख के बीच में आपको पेमेंट मिल जाया करता है। तो बिल्कुल अच्छी कंपनी है, हरियाणा कुरुक्षेत्र से है, आप इसके ऑफिस पे जाके विजिट कर सकते हैं। लोगों के प्रोडक्ट भी आ रहे हैं, हाँ ये है कि थोड़ा प्रोडक्ट आने में डिले हो रहा है, तो वो जो है कोरोना वायरस की वजह से हो रहा है, और जैसे ही ये नॉर्मल होगा ये भी हमारे प्रोडक्ट की जो डिलीवरी सिचुएशन है ये भी नॉर्मल हो जाएगी। और लोगों को प्राइवेट जो कोरियर होते हैं उससे भी लोगों को प्रोडक्ट भेजना स्टार्ट कर दिए जा चुके हैं कंपनी की तरफ से, और पोस्ट ऑफिस से जिन लोगों के आसपास कोरियर नहीं है उनका पोस्ट ऑफिस से ही जा रहा है, तो लोगों के प्रोडक्ट भेजे जा रहे हैं। बहुत सारे लोग अपना वीडियो बना के डालते भी हैं यूट्यूब पे, आप लोगों को दिखता भी होगा, और मेरे भी प्रोडक्ट जैसे ही इस महीने रिसीव होते हैं तो मैं भी आपको वीडियो दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप इस चैनल पे बने रहें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।